नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हैदराबाद में जिस तरीके से वेटनरी डॉक्टर के साथ रेप के बाद उनकी हत्या की खबर सामने आई है, उससे पूरा देश गुस्से में है, पूरे देश में उबाल है और एक साथ पूरा देश ये मांग कर रहा है कि जो इसके दोषी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अपनी तरफ से लोग सजा की मांग कर रहे हैं कि समय का इंतजार न किया जाए, फांसी दे दी जाए, कोई जिंदा जला देने की मांग कर रहा है। तमाम तरह की डिमांड हो रही है और इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, इस तरह की जो मांग सामने आ रही है, उससे यह संकेत मिल रहा है कि कैसे बलात्कार की घटनाओं को लेकर या फिर हैदराबाद में जिस तरीके से घटना घटी है, देश में गुस्सा है, देश में उबाल है। वो लोग भी सियासत से भी कई तरह की मांग उठ रही है, सख्त से सख्त सजा की मांग उठ रही है। इस घटना को लेकर डॉक्टर अजय आलोक जो जेडीयू के नेता हैं, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है, उनकी एक प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि हैदराबाद की घटना पे एक ही ख्याल मन में आता है, कब तक चलेगा ये सब, सीधे मार डालो, बीच चौराहे पर तब संदेश जाएगा। ये धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं बदलेगा, पागल कुत्तों को गोली मारनी ही चाहिए। तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पागल कुत्तों को गोली मार दी जानी चाहिए। ऐसी घटनाएं देश में घटती रही हैं और जब भी ये हुआ है देश बहुत गुस्से में रहा है। कैंडल मार्च हुए हैं, सख्त से सख्त सजा की मांग की जाती रही है और एक बार फिर जब हैदराबाद में ये घटना घटी है उसके बाद पूरे देश में उबाल है और लगातार मांग उठ रही है कि बिना समय गंवाए दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए, सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और इस मामले की गूंज संसद में भी सुनाई दी है। कई सांसदों ने, जया बच्चन जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने मांग की है कि सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए जो इसके लिए दोषी हैं। दूसरे भी कई सांसदों ने मांग की है। तो सियासत से भी अब एक तरह से आवाज़ उठ रही है कि जो दोषी हैं इस तरह की घटनाओं के लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की मांग उठ रही है, सोशल मीडिया पर लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से घटना घटी है हैदराबाद में, उसको लेकर देश में गुस्सा है। राजनीति के गलियारों से भी ये गुस्सा निकल कर सामने आ रहा है और उसी कड़ी में डॉक्टर अजय आलोक ने ट्वीट किया है और साफ तौर पर यह कहा है कि पागल कुत्तों को गोली मार देनी चाहिए। जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत मुफीद सज़ा यही है कि उनको गोली मार देनी चाहिए। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।